प्रॉन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉन ले लिया है, जिसे हल्दी और नमक मिलाकर रख लिया है। नमक, हल्दी और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, एक कटा हुआ टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और ऑयल ले लिया है। सबसे पहले अब हम मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे और इसमें मैरिनेट किया हुआ प्रॉन को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें थोड़े से गरम मसाले फ्राई कर लेंगे। मसालों के थोड़े ही फ्राई होते हुए अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज में डालेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी मिलाएंगे और इन सभी मसालों को थोड़ा सा पानी देकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर मिला लिया है और इसमें एक टमाटर काट के मिलाएंगे और इन सभी मसालों को फ्राई कर लेंगे। मैं अब इन मसालों को ढककर 5 से 10 मिनट के लिए कम आंच में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मसाला चेक कर लेंगे, मसाला पूरा ड्राई हो चुका है और अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। अब इसमें पानी मिलाएंगे। आपको ग्रेवी जितनी थिक या फिर पतली रखनी है आप उसी अनुसार इसमें पानी मिलाएंगे और पानी को थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें फ्राई किए हुए प्रॉन को मिलाएंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए कम आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे।
यहाँ पे प्रॉन को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ ग्रेवी भी थोड़ी थीक हो चुकी है। फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। अब हमारी प्रॉन करी रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।